यूपी बोर्ड क्लास 9th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया तो ज़रूर कर लें और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सो इस वीडियो में आप देखने वाले हैं हिंदी संस्कृत खंड के सप्तमह पाठ यानी कि सातवां लेसन। इसका नाम है कृष्ण गोपाल नंदन, यानी कि गोपाल नंदन श्री कृष्ण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका ट्रांसलेशन। पहला पैराग्राफ के साथ में स्टार्ट करते हैं। सुविदितमेव श्री कृष्ण लोकोत्तरो महापुरुष आसीत। सुविदितमेव यानी कि भली भांति से ज्ञात है श्री कृष्ण यानी कि श्री कृष्ण लोकोत्तराम यानी कि अलौकिक महापुरुष यानी कि महापुरुष और आसीत यानी कि थे, यानी कि ये भली प्रकार से हम जानते हैं कि श्री कृष्ण अलौकिक महापुरुष थे। अयम महापुरुष सहस्रेभ्यः वर्षेभ्यः प्राक् उत्पन्नः अद्यापि जनानां हृदयेषु विराजमानः अस्ति। अयम यानी कि यह और महापुरुष यानी कि महापुरुष, सहस्रेभ्यः वर्षेभ्यः और प्राक् यानी कि पूर्व यानी कि हजारों वर्ष पहले उत्पन्न यह महापुरुष अद्यापि यानी कि आज भी जनानां यानी कि लोगों के हृदयेषु यानी कि हृदय में या मन में विराजमान अस्ति यानी कि विराजमान है, यानी कि हजारों वर्ष पूर्व उत्पन्न हुए यह महापुरुष आज भी लोगों के हृदय में विराजमान है। श्री कृष्णस्य मातुलः कंसः अत्याचारी शासकः आसीत्, यानी कि श्री कृष्ण के मामा कंस अत्याचारी राजा थे। सः पूर्वं स्वभगिन्याः दिवक्याः श्री वसुदेवेन सह विवाहम् अकरोत्। सः यानी कि उसने पूर्वम यानी कि पहले, उसने पहले अपनी भगिन्या यानी कि बहन देव की, स्व यानी कि अपना होता है यानी कि अपनी बहन देव की का वसुदेव के साथ सह यानी कि साथ विवाहम अकरोति यानी कि विवाह किया। पश्चाश्च यानी कि और बाद में आकाशवाणिया यानी कि आकाशवाणी के द्वारा देवकी पुत्रीण यानी कि देवकी के पुत्र के द्वारा अपने स्व यानी कि अपने मृत्यु समाचारम विज्ञाय कारागारे न्यक्षिपत, यानी कि अपने मृत्यु का समाचार को विज्ञा यानी कि जानकर कारागारे न्यक्षिपत यानी कि कारागार में डाल दिया। तत्रैव कारागारे श्री कृष्ण जातः यानी कि तत्रैव यानी कि उसी कारागार यानी कि कारागार में या जेल में उसी कारागार में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जातः यानी कि जन्म होना, यानी कि उसी कारागार में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। अब संदर्भ में आपको क्या लिखना है, इस पाठ के सभी पैराग्राफ के साथ में आपको यही संदर्भ यूज करना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संस्कृत खंड के कृष्ण गोपालानंद नामक पाठ से लिया गया है। सो पूरे पैराग्राफ के लिए या किसी भी पैराग्राफ के लिए आपको इस पाठ के लिए यही संदर्भ यूज करना है। आगे देखते हैं दूसरे पैराग्राफ। श्री कृष्ण से जन्म भाद्र मासस्य भाद्रपद मासस्य अष्टम्यां तिथौ मथुरायाम अभवत, यानी कि श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के या महीने के अष्टमी तिथि को मथुरा में हुआ था। मध्यरात्रि यदायम उत्पन्न जातः तदा आकाशे घटाटोपाः मेघाः मूसलधाराः वर्षा अकुर्वन्। मध्यरात्रि यानी कि अर्धरात्रि में यदायम यानी कि जब, अयम यानी कि ये उत्पन्न जाते यानी कि जब ये उत्पन्न हुए, तदा यानी कि तब आकाशी यानी कि आसमान में घटाटोपाह मेघा यानी कि काली घटाओं से घिरे बादल बादलों ने मूसलाधार वर्षा अकुर्वन यानी कि की। तदा रात्रि ही अंधकार पूर्णा आसीत यानी कि तब रात अंधेरे से भरी हुई थी। परम वसुदेव पुत्रस्य रक्षार्थम सद्यो जातम तम आदाय उत्ताल तरंग यमुनाम उत्तीर्य गोकुले नंदगृहम प्रापयत। लेकिन वसुदेव ने पुत्र की रक्षा के लिए सद्योजातम यानी कि नवजात और तम यानी कि उस और आदाय यानी कि लेकर उत्ताल तरंग यानी कि ऊंची उठती हुई लहरों वाली यमुनाम यानी कि यमुना में उत्तीर्य यानी कि उतरकर गोकुले यानी कि गोकुल में नंदगृहम यानी कि नंद बाबा के घर में प्रापयत यानी कि पहुँचा दिया। यानी कि लेकिन वसुदेव ने नवजात पुत्र की रक्षा के लिए उस नवजात शिशु को लेकर ऊंचे लहरों वाली यमुना में उतरकर गोकुल में नंद बाबा के घर में पहुंचा दिया। तत्र बाल्यादेव श्री कृष्ण जनानाम हृदय वल्लभ अभवत,
यानी कि तत्री यानी कि वहाँ बाल्यादेव यानी कि बाल्यकाल से ही श्री कृष्ण लोगों के हृदय वल्लभ यानी कि हृदय के प्रिय और अभवत यानी कि हो गए, यानी कि वहाँ बचपन से ही श्री कृष्ण लोगों के हृदय के प्यारे बन गए। बाल्यकाले अयम स्वसौंदर्येण बाललीलया च सर्वेषां जनानां मनांसि अहरत, यानी कि बचपन से इन्होंने अपने सौंदर्य और बाल लीलाओं से सबके या सभी लोगों के मनांसि यानी कि मन को अहरत यानी कि हर लिया। कापि गोपिका तम अंकित निधाय स्वगृहं नयति, अपरां तम दुग्धं पाययति, अन्या च तस्मै नवनीतं ददाति। कापि यानी कि कोई गोपी उन्हें अंकि यानी कि गोद में निधाय यानी कि लेकर स्वगृहम यानी कि अपने घर में नयति यानी कि ले जाती, यानी कि कोई गोपी उन्हें अपने गोद में लेकर अपने घर ले जाती। अपरा तम दुग्धम पाययति यानी कि कोई दूसरा दूध पिलाती। च अन्या यानी कि और कोई दूसरा उनको नवनीतम यानी कि मक्खन और ददाती यानी कि देती। नवनीतम यानी कि इसका मतलब होता है, आप ध्यान रखें, मक्खन होता है, यानी कि और दूसरा उन्हें मक्खन देती। श्री कृष्णः प्रेम्णा दत्तं दुग्धं पिबति, नवनीतं च खादति, अवसरं प्राप्य च स्वमित्रैः गोपैः सह कस्मिंश्चिद् गृहं प्रविश्य दधि खादति, मित्रेभ्यः ददाति, अवशिष्टं दधि भूमौ पातयति, यदा कदा दधिभाण्डं च त्रोटयति। यानी कि श्री कृष्ण प्रेम से दिया गया दूध पीते और मक्खन खाते। अवसर पाकर वह अपने मित्र या ग्वाल मित्रों के साथ किसी के घर में कस्मिंश्चिद् यानी कि किसी के गृहम यानी कि घर में प्रविश्य यानी कि प्रवेश करके दधि यानी कि दही और खादति यानी कि खा जाते थे। मित्रेभ्य ददाति यानी कि मित्रों को देते, और बचे हुए दही को भूमौ पातयति यानी कि धरती पर गिरा देते थे। च यानी कि और यदा कदा यानी कि कभी कभी दधि भांडम यानी कि दही का बर्तन त्रोटयति यानी कि फोड़ देते। एतत् सर्वे कुर्वतो यपि तस्य शीलेन सौंदर्येण च प्रभावितः, न कोऽपि तस्मै क्रुध्यति, परं सर्वे तस्मिन् स्मिह्यन्ति। एतत् यानी कि यह सर्वे यानी कि सब, कुर्वत यपि यानी कि करने पर भी, अपि यानी कि भी होता है, यानी कि यह सब करने पर भी तस्य यानी कि उनके शील और सौंदर्य से प्रभावित हुआ कोऽपि यानी कि कोई भी तस्मै यानी कि उन पर क्रुध्यति यानी कि क्रोध नहीं करता था, परम सर्वे तस्मिन् स्मियति, लेकिन यानी कि बल्कि सभी उनको या उनसे स्नेह करते थे। अनंतरम श्री कृष्णः गोपालैः सह वनं गत्वा गा चारयति, तत्र च वेणुं वादयति, अनेन सर्वाः गावः गोपालाश्च सर्वाणि कार्याणि विहाय तस्य वेणुवादनं शृण्वन्ति। अनंतरम यानी कि इसके पश्चात या इसके बाद श्री कृष्ण ग्वालों के साथ वन में जाकर गाय चराते थे और वहाँ वेणु यानी कि बांसुरी बजाते। अनेन यानी कि इससे सभी गायें और ग्वालें सर्वाणी कार्याणि यानी कि सभी कार्यों को विहाय यानी कि छोड़कर उनके बांसुरी वादन को सुनते थे। महाकवि व्यासः संस्कृत भाषायां, भक्त कवि सूरदासः हिंदी भाषायां तस्य बाललीलायाः अति सुंदरम वर्णनम अकरोत्। यानी कि महाकवि व्यासदेव ने संस्कृत भाषा में, भक्त कवि सूरदास ने हिंदी भाषा में उनके बाल लीला का अत्यधिक सुंदर वर्णन किया। यदा अयम बालः इव आसीत् तदा कंसः तं हन्तुं क्रमशः बहून् राक्षसान् प्रेषयत्, परं श्रीकृष्णः स्वकौशलेन शौर्यं च तान् सर्वान् अहन्। यदा यानी कि जब ये बालक ही थे तब कंस उन्हें मारने के लिए, हन्तुं यानी कि मारने के लिए लगातार बहुत से राक्षसों को प्रेषयत यानी कि भेजा, लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी चतुराई और शौर्यन यानी कि बहादुरी से उन सभी का वध कर दिया। स न केवलं राक्षसेभ्यः अपितु अन्याभ्यः विपदभ्यः गोकुलवासिनो जनान् अरक्षत, यानी कि उन्होंने न केवल राक्षसों का बल्कि अनेक दूसरे विपत्तियों का भी या विपत्तियों से भी गोकुलवासियों के लोगों की रक्षा की। एकदा वर्षाकाले गोकुले यमुनायाः जलं वेगेन अवर्धत, तदा श्रीकृष्णः स्वप्राणान् अविगणय्य सर्वान् गोकुलनिवासिनः अरक्षत। यानी कि एक बार
वर्षा काल में गोकुल में यमुना का जल वेगिन यानी कि तेजी से अवर्धत यानी कि बढ़ रहा था। तदा यानी कि तब श्री कृष्ण ने अपने प्राणों की चिंता न करते हुए स्वप्राणन यानी कि अपने प्राणों की और अविगणनीय यानी कि अपने प्राणों की चिंता न करते हुए सभी गोकुल वासियों की रक्षा की, अरक्षत यानी कि रक्षा की। एवमेव यानी कि ऐसे ही संदीप्ते बनु अयम सर्वान पशुन गोपालन च तत्र अत्रायत, यानी कि इसी प्रकार आग में या आग लग जाने पर उन्होंने सभी पशुओं और ग्वालों की रक्षा की। एवं निरंतरम गोकुल वासिनाम जनानाम कष्टानि निवारयन् तेषां हृदये पदम धारयत्, यानी कि इसी प्रकार लगातार गोकुल वासी के या गोकुल में रहने वाले लोगों के कष्टों का निवारण करते हुए उनके हृदय में पदम धारयत् यानी कि स्थान बना लिया। अतः श्री कृष्णः बाल्यकालादेव स्वोत्तमैः गुणैः परोपकार भावनया च लोकप्रियः अभवत्। इसलिए श्री कृष्ण बाल्यकाल से ही यानी कि बचपन से ही अपने उत्तम गुणों के द्वारा और परोपकार की भावना के कारण लोगों में प्रिय हुए। तो स्टूडेंट्स, ये था 7वां लेसन श्री कृष्णः गोपालानंदः का आखिरी पैराग्राफ। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।